ही विशाला। एक दिन विशालापुरी बद्रिकाश्रम, बद्री नारायण भगवान, उस ओर श्री नारद जी जा रहे थे और जैसे नारद जी चले तो रास्ते में उनको मिले सनकादि ऋषि। सनकादि ऋषियों के मिलते ही नारद जी ने उनको प्रणाम किया, क्योंकि नारद जी के बड़े भाई हैं, प्रणाम किया। सनकादि ऋषियों ने नारद जी से पूछा कि नारद जी, आज आपके चेहरे पर कुछ उदासी छाई हुई है, ये उदासी क्यों है? कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान। नोचितं वद कारणं। महाराज, एक संत जो होता है वो कभी उदास होता है तो समाज के लिए होता है। समाज में जब उसको कभी कोई गलत विधियां नजर आती है कि देखो सदाचार नष्ट हो रहा है, लोग धर्म से भटक रहे हैं, तब जाकर के वो संत दुखी होता है। और आप तो संत शिरोमणि हो, आपको किस बात का दुख है? नारद जी ने कहा, देवर्षि नारद जी कहते, हे सनकादि ऋषियों, क्या बताऊं, मैं अभी अभी पृथ्वी पर घूम करके आया, सत्यम नास्ति तपच दया दानम न विद्यते। धरती पर कहीं भी सदाचार सत्य तप तो बचा ही नहीं, जहां देखो जिसे देखो बस झूठ का सहारा लिए बैठे। कहां गई लोगों की संवेदना पता नहीं, कहां गया लोगों के आंखों का प्रेम पता नहीं। मानवता का नाश हो गया, मानवता नष्ट हो गई। महाराज, मैं बड़ा, जब मैं गया दुनिया में धरती पर देखा तो एकदम अचंभित हो गए। पहले का समय था कि किसी को झूठ बोलने को कह दो कि कल तुझे झूठ बोलना है तो उसको पूरी रात नींद नहीं आती थी, कल झूठ बोलना है मुझे। आज के समय में कोई झूठ बोलने के लिए मुहूर्त की सत्यता हो, यानी अर्थात कोई अच्छा कार्य हो, अच्छा कार्य किसी को करना हो तो अच्छे कार्य के लिए मुहूर्त दिखवाना पड़ता है कि कब कौन सा सही समय अच्छा है, ठीक है। और बुरा काम करना हो, बोले बुरा काम करने के लिए कोई मुहूर्त नहीं, पड़ोसी को भी पता ना चले उससे पहले ही सब काम निपटा देते हैं। सत्यम नास्ति तपह सोचम, सदाचार का नाश हुआ। सदाचार का नष्ट हुआ तो लोगों के हृदय से संवेदना चली गई। आज के समय में व्यक्ति सिर्फ अपने सुख के बारे में सोचता है। और संसार की सच्चाई बताने के लिए आपको किसी प्रवचनों को सुनने की आवश्यकता नहीं, आप सब जानते होंगे। वो सुखी तो भले कोई व्यक्ति दुख में मर जाए, उसको कोई आवश्यकता नहीं, उसको आनंद मिले, उसको सुख की प्राप्ति हो, यही उसका लक्ष्य है।